और नितारे रात में दिया बिजली घर पर धरना। आगरा के एतमादपुर के थाना बरहन के नगला में गोल स्थित विद्युत केंद्र पर सपा कार्यकर्ताओं ने अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बरहन क्षेत्र में रात्रि 12 बजे के बाद अघोषित विद्युत कटौती की जाती है, जिसका चोर फायदा उठाकर चोरी की वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। वहीं अगले माह होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बिजली जाने की वजह से नहीं हो पा रही है। सपा नेता का इस दौरान कहना था कि अघोषित बिजली कटौती से छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक रहा है और चोर अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कटौती बंद नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करने को वो बद्ध होंगे। आज नेताजी बरहन बिजली घर पर किस संदर्भ में धरना दिया जा रहा है? आज जो बरहन बिजली घर है, यहाँ की जो समस्या ये है कि इस बिजली घर से रात में 3-4 घंटे बिजली कटौती की जा रही है, और 3-4 घंटे जो बिजली कटौती जा रही है उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि एक तो बच्चों की अब जो है एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो एग्जाम शुरू से पहले बच्चे अपनी तैयारी भी करेंगे। हाई स्कूल की परीक्षा और इंटर की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, इसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हालांकि परीक्षा तो सब महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये परीक्षा चर्चित परीक्षा होती है और इसमें लाखों की संख्या में छात्र जो है परीक्षा देते हैं। दूसरा, जो 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे तक 1 से 3 बजे का जो समय होता है, इसमें अगर बिजली गुल होती है तो चोरी होने की संभावना बढ़ती है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमेशा चोरियां 1 बजे से लेकर 3 बजे तक होती हैं। इसी दरमियान ज्यादातर बिजली भी कट जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली विभाग के कर्मचारी और चोरों में कोई साठगांठ है कि उसी वक्त पर बिजली काटते हैं। यहां हमारी मांग ये है कि हमें जो है शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक 13 घंटा अनवरत बिजली चाहिए, जिससे कि हमारा किसान मजदूर आराम से अपने घर पर सो सके और हमारे छात्र, हमारे जो बेटे बेटियां हैं जो परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें पूरे 13 घंटा बिजली मिले। इसके अलावा जो आपका रोस्टर है, उस रोस्टर से आप बिजली दिन में दीजिए, लेकिन रात में 1 भी मिनट को बिजली नहीं कटनी चाहिए। इस समस्या को लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं।